रूस के साथ जंग में पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन काफी आक्रामक दिख रहा है। कई मोर्चों पर रूसी सैनिकों को जबरदस्त संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन परेशान है और इसी बीच ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे पुतिन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध पर खुलकर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने तीन स्थितियां बताई जो इस युद्ध के खत्म होने के बाद सामने आ सकती है। उन्होंने कयास लगाते हुए कहा कि इस युद्ध में आखिर में रूस हारेगा और इसका फायदा सीधे तौर पर चीन को मिलेगा। इस युद्ध से रूस का हथियारों का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। इस दौरान जॉनसन ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन को मिलकर चलना होगा, ये दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। जॉनसन ने भारत को लेकर जो बात कही वो तो ठीक है, लेकिन रूस और यूक्रेन को लेकर उनकी भविष्यवाणी ने दुनिया को एक बार फिर हैरान किया है। जॉनसन ने जो तीन स्थितियां बताई हैं, उन्हें समझिए। पहले प्रेडिक्शन में जॉनसन ने कहा पुतिन इस युद्ध में हार जाएंगे, उन्हें एक देश की जनता अपनी देशभक्ति से आराम से हरा देगी। मैं आपको बता दूं कि यूके उन्हें सपोर्ट करता रहेगा, चाहे बात पैसे की हो, कूटनीति की हो या फिर सैन्य सहायता की, और ये तब तक होगा जब तक वो अपने देश को वापस नहीं ले लेते। जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा भी कहा और चेतावनी भी दी कि वो अपनी तय हार को रूस के लिए जीत में बदल देंगे और वो रूसी नागरिकों से ये उम्मीद करेंगे कि वो इस स्टोरी को गुटक जाएं। दूसरे प्रेडिक्शन में जॉनसन ने कहा कि रूस के मिलिट्री औजारों का एक्सपोर्ट भी इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। यूक्रेन में जो भी हो रहा है वो रूसी हथियारों के लिए बहुत बुरा विज्ञापन है। 60% मिसाइलें इनमें से बेकार निकल रही हैं। ये मेरे पहले टेनिस मैच से भी कम एक्यूरेट है। वहीं चीन के बने हुए टायर रूसी हथियारों से लैस वाहनों के नीचे फट रहे हैं। तीसरे प्रेडिक्शन में उन्होंने रूस को इस युद्ध से सबसे बड़े नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बर्बाद करने वाली पुतिन की मिसकैलकुलेशन एशिया के आसपास के सभी देशों को कमजोर करेगी और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा, और इसका असर तो अभी से उज़्बेकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में दिखने भी लगा है। इसी के साथ जॉनसन ने रूस को मार्केट में हो रहे घाटे पर भी तंज कसा। जॉनसन ने पुतिन को चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुंडा बताया।